नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लगातार मैं आपको संविदा कर्मियों से जुड़ा हुआ अपडेट दे रहा हूं और पिछले 15 से 20 दिन में मैं 10 से अधिक वीडियो बना चुका हूं इसके, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे अपडेट दिए हैं कि सरकार आपको परमानेंट करने के लिए क्या कर रही है, आज सरकार ने क्या डिसीजन लिया है। क्योंकि राजस्थान में सबसे जो हॉट इशू है वो है संविदा कर्मियों का। यूपी में भी चुनाव हुए हैं, वहां यूपी टेट का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लोग वेट कर रहे हैं मेरे भाई बहन। यहाँ वेट कर रहे हैं संविदा कर्मी बड़े लंबे समय से कि उन्हें सरकार परमानेंट करेगी तो क्या होगा, कैसे होगा, और उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बना दी। तो इसी बीच सरकार ने एक आदेश परसों जारी किया था जिसके बारे में मैंने वीडियो आपको बनाया था कल। अब एक कल आदेश जारी किया जिसका वीडियो मैं रात को बना नहीं पाया था, किसी काम की वजह से लेट हो गया था, तो वो वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक नया आदेश जो सरकार ने जारी किया है वो लेके आपके सामने आ रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो पहले सरकार का आदेश एक बार देख लेते हैं कि ये आदेश क्या कहता है और इस आदेश में कितनी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए छुपी हुई है। तो ये आदेश है जो राजस्थान सरकार ने जारी किया हुआ है 1 अप्रैल को। अब इस 1 अप्रैल को आप बुद्धू दिवस मत मान लेना, ये स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है और पूरी तरीके से सही है। इसका सब्जेक्ट क्या है कि विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर यानी कि UTB अर्जेंट टेम्परेरी बेस के माध्यम से कार्यरत राजपत्रित चिकित्सा सेवा पद एवं अधीनस्थ चिकित्सा सेवा के कार्मिकों की सेवा अभिवृद्धि के संबंध में, यानी कि जिनको 31 मार्च को जॉब से हटा दिया गया था उनके जो काम है, उनका जो कार्यकाल है वो फिर से अभिवृद्धि यानी इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये लेटर क्या कहता है, कब तक बढ़ाया है, किन किन को फायदा मिलेगा वो भी एक बार देख लीजिए आप। उपरोक्त विषय अंतर्गत निर्देश अनुसार लेख है कि विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर यानी कि UTB बेस पर जो राजपत्रित चिकित्सा सेवा के पदों एवं अधीनस्थ चिकित्सा सेवा के कार्मिक जिन्हें दिनांक 31 मार्च 2022 तक के लिए चयनित किया गया था उनकी सेवाएं 31/3/2023 तक अथवा नियमित भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक की अभिवृद्धि हेतु सैद्धांतिक सहमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है। तो भाई उनकी जो नौकरी है 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2023 तक। अब 23 में सरकार का चुनाव है, मार्च 2023 में एक बार फिर से सरकार बढ़ा देगी और आपकी 2024 तक। अब अगली सरकार आ जाएगी, वो क्या करती है, वो अगली गेंद सरकार के पाले में चली जाएगी। तो शर्तें क्या क्या है, किन किन को फायदा मिलेगा इसमें, जो आपके डॉक्टर्स हैं उनको मिलेगा, नर्सिंग कर्मी है ANM GNM उनको मिलेगा, पैरामेडिकल स्टाफ है ANM GNM है या और भी कोई पैरामेडिकल स्टाफ है उनको फायदा मिलेगा। और इसमें जो आदेश था आपका पहला 4/10/2014 वाला, 9/11/2017 वाला, तो उसमें जो उल्लेखित शर्तें थी उसकी पालना यहाँ की जाएगी। साथ साथ एक बात ध्यान रखना कि आपकी जॉब है अभी भी अस्थायी रूप से ही है और आपका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है, या फिर इस बीच मान लीजिए नियमित भर्ती हो जाती है आपके पद पर तो आपको हटाया जाएगा। इस तरीके से सरकार ने शर्तें दे दी है और ये 1 अप्रैल 2022 से सहमति प्रदान कर दी गई है। तो कुल मिला के आप सभी को UTB बेस पर जिनको 31 मार्च 2022 को हटा दिया गया था उनका कार्यकाल 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कंपटीशन बॉस चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 31 मार्च 2023 को आपका कार्यकाल रहेगा 31 मार्च 2023 तक और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और अगले साल फिर बढ़ता रहेगा। तो अर्जेंट टेम्परेरी बेस जो भी भाई बहन भर्ती हुए थे, काफी सारे भाई बहन हैं जो लंबे लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं सरकार उनको रेगुलर करे, नियमित करे, और जिन्होंने इसके लिए अपने जॉब भी छोड़े थे वो इसी वजह से छोड़े थे क्योंकि सरकार में एक बार शामिल हो जाए सरकारी जॉब में तो उनको फायदा सरकार देती चली जाएगी, और वही हो रहा है। सरकार कार्यकाल लगातार बढ़ाती जा रही है, इसकी जरूरत भी ज्यादा थी। चलिए खैर, ये अच्छा हुआ आप सभी के हित में सरकार ने फैसला लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।